क्या स्मूथ घूमेगा ये पकड़ा एंड ट्विस्ट इतना ये पकड़ा इतना मतलब बहुत सही यार थोड़ा सा में हो जाता है इस खतरनाक यार क्या क्विक थ्रॉटल बनाया है ये एनसी वाई बॉलर तो गाइस यार काफ़ी दोस्तों का रिक्वायरमेंट आता कि भाई हंडाडियो में क्विक थ्रॉटल इंस्टॉल करो मतलब बहुत सारा ऐसा भाई लोगों ने कमेंट किया था बट फाइनली आज मैं क्विक थ्रॉटल लेके आ चुका आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो चलो फर्स्ट हम लोग करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और पैकेट देखने में कुछ इस तरीके का है इसको मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हो अच्छा लगा तो ले भी सकते हो यार मुझे भी बहुत बहुत टाइम से मन था ये इसको लगा इंस्टॉल करने का इंस्टॉल करने के बाद परफॉर्म कैसा करता है वो देखने का फाइनली आज को इंस्टॉल करने वाला हूँ तो चलो इसको फाड़ दिया जाए चाकू भी काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हो बस इतना ही है पैक के अंदर पहले हमको एक बिल मिल जाता है इसका प्राइस तो ठीक से शो नहीं कर रहा है बट 1150 ऐसा लग रहा है 1160 का है कुछ इस तरह का दिखने में गाइस बॉक्स के अंदर हम लोग को कुछ इस तरह का कुछ थ्रॉटल देखने मिलता है ये NCY ब्रांड का है एंड यहाँ पर लोगों का वेबसाइट भी है www.ncymotor.com हम लोग का बहुत सारे मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट है बट अपने डीओ के लिए मैं इसको बहुत ढूंढने के बाद मिला है अमेजन में तो ये करंटली अवेलेबल ही था बट कैसे कैसे करके मुझे मिल गया तो चलो इसको अभी फर्स्ट अनबॉक्सिंग हो गया सेकेंड अनबॉक्स करते इसका अंदर देखते फिर क्या फीचर्स है इसमें तो चलो इसको पहले ओपन करते हैं इसके चादर हटाते इसमें देखिए कुछ अंदर में इस तरह का देखने मिल जाता है पहले तो अपने एक्सेलेटर ग्रिप क्योंकि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है एंड ये पर्पल कलर में तो काफ़ी हॉट एंड सेक्सी दिख रहा है काफ़ी सही माल है एंड सेकेंड में आता है लेफ्ट साइड का ग्रिप जो कि फुली रबराइज एंड बहुत ही कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने में तीसरा चीज़ है तो बेस्ट पार्ट है ये तो अपना क्विक थ्रॉटल है इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा एडजस्टर स्पेस बहुत सारा एडजस्टिंग केबल लगाने वाला दिया हुआ है एंड माल भी काफ़ी हैवी है बहुत सही क्वालिटी का एंड अंदर से आवाज़ भी आ रहा है कुछ तो ये आई थिंक रोलर का अंदर में बॉल रोलर बियरिंग दिया गया है तो मतलब ये काफ़ी वेट भी है एंड आप इसको जब चला एक्सेलेट करोगे ना तो मतलब हम लोग का नॉर्मल में क्या होता है वो हैंडल बार के ऊपर घूमता है एंड ये क्या होगा आपको रोलर बियरिंग के ऊपर घूमेगा तो जो आपको फील अभी दे रहा है आपको बाद में भी सेम फील मिलता रहेगा आपको तो चलो इसको भी खोला जा सकता है मैं दिखाता हूँ आपको खोल के अंदर में इसका थ्रेड जो है थोड़ा उल्टा है इसको ऐसे नहीं घूमेगा ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज घूमेगा तो ही खुलेगा ये अपना आ गया क्विक थ्रॉटल का ग्रिप एंड अंदर में देख सकते हो रोलर बियरिंग है फर्स्ट बियरिंग ये एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा रोलर दिया गया है अंदर में एक और एल्युमिनियम का दिया है इसके ऊपर और एक स्पेसर है आखिर में और एक रोलर बियरिंग आता है दो रोलर बियरिंग है एक स्टार्टिंग में होगा एक एंड में होगा इसके चलते आपको एक्सेलेटर काफ़ी स्मूथ मिलेगा तो इसको अंदर डाल देते हैं एंड इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ क्या क्या फ़ायदा है पहले इसको डाल देता हूँ अंदर इसका फ़ायदा ये होगा तो मतलब अपना जो एक्सेलेटर है ना ये जो एक्सेलेटर है पहले हम लोग को इतना घूमना पड़ता था ठीक है इससे क्या होगा इसका जो इतना 100% जा रहा है इसका 60% घुमाने से भी इसका काम हो जाएगा इसको पूरा नहीं घुमाना है इसका तरह पूरा हाथ को घुमाना नहीं घुमाना है बस थोड़ा घुमाने से काम हो जाएगा तो अपना बॉक्स कंटेंट कुछ ऐसा है तो अंदर में आपको तीन साउंड मिलेगा लेफ्ट साइड का राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का ग्रिप मिल जाएगा आपको चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं अपने डीओ में जो कि राइट साइड में होगा तो चलिए इंस्टॉल करने के पहले आपको ये सब सारा का सारा खोलना पड़ेगा खोलने के बाद ही आपको ये जो योक है इसका आपको यहाँ पर लगाना होगा इस तरीके से एंड ये जो सामान है काफ़ी प्रीमियम काफ़ी लाइट वेट है ज़्यादा भारी नहीं बट तो जो राइट साइड वाला ग्रिप है ये थोड़ा हैवी है ये सारा का सारा एल्युमिनियम का है तो इसमें एक चीज़ अच्छा होगा जंग नहीं लगेगा तो नो रस्टिंग प्रॉब्लम होगा आपको कोई रस्टिंग का प्रॉब्लम है नहीं तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं तो गाइस चलिए फटाफट से सबको अलग करते हैं हैंडल बार से एंड फिर हम लोग करते हैं इंस्टॉल तो थोड़ा सा रुक जाइएगा पहले मैं सबको रिमूव कर लेता हूँ फर्स्ट हम लोग इसका नीचे दो स्क्रू है राइट एंड लेफ्ट साइड में आगे पीछे तो इसको खोल लेते हैं पहले उसके एक्सेलेरेटर केबल खोलना पड़ेगा एंड गाइस इस स्विच असेंबली का इंस्टॉलेशन वीडियो देखना तो आई बटन पर लिंक दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो तो पहले चलो इसको खोलते हैं तो इसको अभी हम लोग खोल दिया एक्सेलेरेटर ग्रिप को एंड अभी क्या करना पड़ेगा ना हम लोग को ये जो योक है ना ये ब्रेक योक इसको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा एंड ये ग्रिप को भी थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा फिर जाके इसका ये मेकअप होगा एंड इसमें क्या होगा आपका जो ब्रेक लीवर है हल्का सा अंदर घुसेगा तो मतलब
आपको ब्रेकिंग में दो उंगली से ब्रेकिंग हो जाएगा। पहले क्या करता पूरा ऐसे पकड़ना पड़ता है, आप लोग के दो उंगली से ब्रेकिंग हो जाएगा अगर थोड़ा इधर जाएगा तो गाइस हम लोगों ने अभी इसका लेफ्ट साइड का ग्रिप लगा दिया, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था, बस इसको खोलना है एंड लगाना है, बस बहुत सिंपल है। एंड थोड़ा टफ है इस साइड का काम, राइट साइड वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक्सेलरेटर को यहाँ पे खोल दिया, एक्सेलरेटर बोल निकाल दिया, और इधर में अपना जो यॉक है स्विच असेंबली, सॉरी यहाँ से ये इसमें कनेक्टर था एंड होता था, ये केवल इसमें लगता था, देन हम लोग ट्विस्ट करता था इसमें, कुछ इस तरह का था पहले का काम, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने इसको इसको रिमूव कर दिया, अलग कर दिया यहाँ से, पूरे टोटली अलग कर दिया ये स्विच को, तुरंत इसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया पूरा। अभी ये डिपार्टमेंट संभालेगा कौन हम लोग का, ये जो अपना एक्सेलरेटर यॉक है, इसमें एक्सेलरेटर केबल लगेगा इसमें पहले, देन आपको एक्सेलरेटर ग्रिप लगेगा इसमें, एंड यहाँ पे जो जितना एडजस्टेबल होगा उसके लिए हमें पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4 चार गार्ड दिया एडजस्ट करने के लिए, आपको जितना मतलब जो हिसाब से आपको चाहिए एक्सेलरेटर उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसको। एंड सबसे खास बात इसमें अंदर जो बॉल बेयरिंग दिया है ना, वो मतलब काबिल तारीफ, क्या बताओ ऐसा स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। मैं जस्ट अभी लगा ट्राई किया था, बहुत स्मूथ है यार। तो चलो अभी इसको फिटिंग करने के लिए आपको तीन बोल्ट दिया गया, लिंक की बोल्ट है 5 mm 5 mm का, इधर नीचे में भी है, नीचे का एलिंग की बोल्ट और दोनों में इस ऊपर का जो फर्क है, ये असल में इसको लॉक करने के लिए है, एंड ये वाला जो अपना ग्रिप, ये जो ग्रिप रिटर्न होकर लॉक होगा इसमें, ठीक है, इसमें लॉक होगा। अगर ये स्क्रू नहीं रहेगा तो ये पूरा ऐसे ऐसे मतलब राइट लेफ्ट दोनों तरफ घूमते रहेगा, बट अगर ये भी ये स्टॉप करेगा इसको, इधर से मूवमेंट जब रिटर्न होगा तो आप देख सकते हो अंदर में ये पे स्टॉप होगा। मैं आपको दिखाऊंगा फिटिंग करके दिखाऊंगा, एंड चलिए इसको फिटिंग करते हैं अभी। सर मैं 5 नहीं 4 mm का एलिंग की है, तो ये 4 mm एलिंग से इसको लूज कर लेना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने डिवाइड कर दिया दोनों, लगा डिवाइड कर दिया इसका। इसका काम क्या होगा, बस एक्सेलरेटर को मूवमेंट करना एंड ग्रिप लगना। तो अभी जैसे मैं बोला इसका डिपार्टमेंट होता है अलग हो जाएगा, अभी सिर्फ इसमें स्विच काम करेगा एंड इसमें एक्सेलरेटर का काम, थ्रॉटल जो पूरा टोटल थ्रॉटल को कंट्रोल यही करेगा। तो इसके लिए अभी हमको ये जो एक्सेलरेटर को है इसमें थ्रेड दिया हुआ है, इसका थ्रेड हिसाब से इसको लगाना है, बहुत ही ईजी है गाइस, इतना कुछ हार्ड वर्क नहीं है। तो आप मैंने इसमें लगा दिया, अटैच कर दिया इसको, अभी ये केबल इसमें लग गया, तो अभी मैंने इसमें अटैच कर दिया। एंड इसको क्या करना, नीचे वाला एलिंकी को जाना, मैंने इसको लूज़ कर लेना आपको पहले, तो पूरा आपको लूज़ कर लेना, इसका बराबर कर लेना पूरा एकदम प्लेन, जैसे इतना लूज़ कर लेना आपको। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रिप है इसको आप एक बार टाइट, फुल्ली टाइट कर लेना, एंटी क्लॉक वाइज घुमा के टाइट कर लेना, और रोलर वगैरह अच्छा से मूवमेंट कर रहा है कि देखना। एंड हम लोगों ने इसको पीछे से ना काट दिया, ये कुछ इस तरीके का था, ठीक है, ढक्कन, तो इसको मैंने हम लोगों ने काट दिया, इसको निकाल दिया काट के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लुकिंग ग्लास लगता है 12 mm। पहले आप देख लो इसका काम कर, देखो क्या स्मूथ घूमेगा, क्या स्मूथ, बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह घूमे एकदम। अभी हम लोग इसमें चार नंबर लगा के देखते हैं कैसा रहेगा, ऊपर वाला कैप को सिंपल ऐसे लगाना, बस 4 mm एलिंग के लगा के इसको टाइट कर देना है, बड़े आराम से टाइट कर देना है आपको 4 नंबर एलिंग को। एंड इसके बाद जो नीचे का एग्जिस्टर नट है इसको आपको, इसको थोड़ा घुमा के हल्का से राइट साइड घुमा के टाइट कर देना है, और फिर आपको देखना है एक्सेलरेटर कैसा फ्री है, क्योंकि इतना फ्री प्ले है एंड इसका इतने घूम रहा है। पहले क्या होता था, इसको बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता था, लाइक यहाँ से लेके ऐसे घुमाना पड़ता है यहाँ तक, बट अभी देखो गाइस हल्का बस थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, मतलब गजब है यार, मतलब गजब, मतलब क्या बताओ, खतरनाक, इतना ही घूम रहा है बस, मतलब गजब है भाई। मतलब मैं सोचा नहीं था कि ऐसा काम करेगा ये, मैं सोचा कुछ दूसरा डिफरेंट टाइप का होगा, बट ये तो कुछ और ही अलग ही चीज़ है यार, मतलब काफ़ी हट गया, मज़ा आ गया यार। इसका जो एक्सेलरेटर करके एक्सेलरेशन देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। सैल्यूट करते हैं इस NCY का प्रोडक्ट को, जो कि कुछ टोटल है, बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन है, बाइक के लिए तो बहुत ईजी है। जैसे मैंने इसको कस्टम मॉडिफिकेशन कर हैंडल बार को, तो इसके लिए बहुत सही है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या प्रीमियम लुक दे रहे हैं आप देख सकते हो, एज यू कैन सी, मतलब क्या खतरनाक सामान बनाया यार NCY ने, मतलब सैल्यूट यार लोगों, सैल्यूट। तो गाइस ये कुछ ट्रॉल इंस्टॉल करूँगा खत्म, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, हाथ से ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा होगा, बट मैंने तो पहले जब सामान जब आया मैं खोल के थोड़ा चेक वूक किया, मुझे लगाने की इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, बट अभी लगाने के बाद मतलब मज़ा ही आ जा रहा यार। मैं अभी सोच रहा पहले क्यों नहीं किया क्या, बट काफ़ी धमाकेदार चीज़ यार, मतलब क्या बताओ। चलिए अभी इसको एकदम प्रॉपर सब इंस्टॉल करके, जैसे 12 mm सब खत्म करके आपसे बात करते हैं थोड़ा। बस इंस्टॉलेशन हुआ खत्म, पूरा का पूरा सब प्रॉपर एकदम सेट हो गया, अब दिखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। आज का वीडियो इतना ही था गाइस, अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप लोग आराम से चेकअप कर ले सकते हो, एंड बहुत सही प्रोडक्ट है, मेरे तरफ से थम्स अप इस प्रोडक्ट के लिए, काफ़ी सही है। अगर ये तो नेकेट हैंडल के लिए ये सही है, बट अगर अपना स्टॉक में लगाना पड़ेगा, मान लो अगर वाइजर वाला है, जियो का जो स्टॉक वाइजर उसमें लगाना पड़ेगा, तो क्या करना होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें इस चीज़ का मेहनत के लिए मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो में 6000 लाइक का एम रखता हूँ, आई होप आप लोग इस एम को पूरा कर दोगे। अगर इस एम को पूरा जाता है मैं इसको स्टॉक वाला डीओपी भी मैं बना के दिखा दूंगा आपको, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, बस तब तक आप लोग इसको मतलब ढेर सारे लाइकों से भर दो, 6000 लाइक कंप्लीट कर दिया, मुझे पता है आप लोग कर दोगे,
बस आज का वीडियो में इतना ही। एंड इसका जो रिव्यू वीडियो है ना जो चला के ऐसा परफॉर्म करता है वो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हो, मैं उसमें मोटो ब्लॉग में बना के मैं दिखा दूंगा कैसा परफॉर्म दे रहा है, कैसे क्वालिटी में आपको मोटो ब्लॉग के साथ बताऊंगा। जल्दी जाकर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेकंड चैनल का लिंक रहेगा, उसको भी चेकआउट कर लेना, उसमें भी इसका परफॉर्मेंस का वीडियो डालूंगा कैसा क्वालिटी है कैसा नहीं। बट अभी जो मेरा आंगन है ना अब देखिए यहाँ पे चलाने लायक जगह है नहीं, मुझे मेन रोड पर जाना पड़ेगा, तब मैं दिखाऊंगा उसको कैसा परफॉर्म कर। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगा इस वीडियो बनाने में, और प्लीज यार इस टारगेट को आप लोग अचीव कर देना। 6000 लाइक ज़्यादा नहीं है, बस फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ, 6000 लाइक का एम रख रहा हूँ, तो टारगेट कम्प्लीट कर देना। तो फिर मैं इसका स्टॉक वाला हैंडल बार पे भी लेके आऊँगा जल्द से जल्द, बहुत जल्द, बस थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि ड्यूटी से घर से ड्यूटी एंड वीडियो बहुत लोचा होता है। तो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, दूसरा शेयर करना, एंड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हो, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्दी वापस।